हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो में ओके गाइस। तो अभी किस वीडियो में हम बात करने वाले इंडोनेशिया सर्वर के न्यू इवेंट के बारे में। तो गाइस अभी हम बात कर लेते हैं इनक्यूबेटर के बारे में। तो देखो गाइस, हमारे गेम में जो अभी के टाइम में ये इनक्यूबेटर है जिसमें कि हमें बन्नी बंडल देखने को मिल रहा है, ये वाला इनक्यूबेटर कुछ ही घंटों में एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 34 आवर्स ही बचा हुआ है और इसके एक्सपायर होने के बाद जो है ना हमें देखने को मिलने वाला है इसके जगह पे न्यू इनक्यूबेटर, और वो भी 3-in-1 इनक्यूबेटर ही होने वाला है। तो देखो गाइज, न्यू इनक्यूबेटर में हमें कौन सा गन या फिर कौन सा बंडल देखने को मिलेगा इसका तो कोई अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। वैसे अगर होगा तो हम आप लोगों को जरूर बता देंगे। बाकी गाइज, यहाँ जो हमें 4 इनक्यूबेटर गन का स्किन देखने को मिल रहा है जिसका कि वोटिंग अभी के टाइम में इंस्टाग्राम पे हो रहा है। तो गाइज, नेक्स्ट इनक्यूबेटर में जो है ना इन चारों में से कोई एक जो है ना गन का स्किन आप लोगों को इनक्यूबेटर में देखने को मिलेगा, और इसके अलावा और दो कौन होने वाला है इसका अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बाकी गाइज, इन चारों में से तो कोई एक आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। बाकी गाइज, अब बात कर लेते हैं 100% बफ के बारे में। तो नॉर्मल गाइज, आप लोगों को पता होगा कि 100% लग जो है ना हमें सैटरडे को या फिर संडे को देखने को मिलता है, लेकिन अभी के टाइम में इसे देखोगे तो इसे एक्सपायर होने में सिर्फ 34 आवर्स ही बचा हुआ है। मतलब कि गाइज, कल पूरा डेज तक रहेगा और उसके नेक्स्ट डे तक में ये जो है ना एक्सपायर हो जाएगा, और कल है फ्राइडे। मतलब कि गाइज, इसका वैलिडिटी सैटरडे तक है ही नहीं। तो गाइज, बहुत ही कम चांस है कि इसमें जो है अब आप लोग को 100% लग देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कल के दिन ही, मतलब कि कल के दिन रहेगा और उसके नेक्स्ट डे तक में एक्सपायर हो जाएगा। अगर सैटरडे तक रहता तो इसमें बहुत ही ज़्यादा चांस रहता कि इसमें जो है ना हमें 100% लग देखने को मिल जाए। वैसे गाइज, हम भी यहाँ पे जो है 100% लग का ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मेरे पास भी देख लीजिए यहाँ पे 32 इनक्यूबेटर वाउचर बचा हुआ है। वैसे गाइज, फिर भी कल तक का इंतजार कर लेते हैं, अगर 100% बफ देखने को नहीं मिलता है तो कल हम इसमें स्पिन कर लेंगे। तो गाइज, अगर आप लोगों के पास भी वाउचर बचा हुआ है तो अगर आप लोग इसमें स्पिन करना चाहते हो तो इस वाले इनक्यूबेटर में कर लो, बाकी नेक्स्ट तो न्यू वाला इनक्यूबेटर देखने को मिलेगा ही, तो फिर उसमें हम स्पिन कर लेंगे, क्योंकि ये वाला वाउचर जो अभी हमारे पास है ये अभी एक्सपायर नहीं होने वाला है, ये मंथ के एंड में ही एक्सपायर होगा। बाकी गाइज, हो सकता है कि इस इनक्यूबेटर का डेट भी बढ़ा दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक बार ऑलरेडी इसका डेट बढ़ाया। ओके गाइज, तो इसका डेट ऑलरेडी एक बार बढ़ा दिया गया था, तो अभी कोई चांस नहीं है कि इसका डेट दोबारा से बढ़ेगा। तो गाइज, अगर आप लोग इस वाले इनक्यूबेटर में स्पिन करना चाहते हो तो इस वाले में कर लीजिए, नहीं तो आप लोग न्यू वाले इनक्यूबेटर में ही स्पिन करना। बाकी गाइज, अभी भी कुछ बंदे को हो सकता है कि कन्फ्यूजन है कि इस क्रिस्टल टोकन का प्रॉपर यूज कौन सा होने वाला है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखो गाइज, आप लोगों को इतना तो पता है कि क्रिस्टल टोकन का यूज़ जो है ना यहाँ पे क्रिस्टल रॉयल में होने वाला है, और जिसमें कि हमें बहुत सारा जो है ना बंडल्स देखने को मिल रहा है, और इसमें हमें समुराई बंडल भी देखने को मिल रहा है। तो गाइज, क्रिस्टल टोकन का यूज़ जो है ना आप लोग यहीं पर कर सकते हो। वैसे यहाँ पे मेरे पास भी 12 क्रिस्टल टोकन है। तो देखो गाइज, अगर आप लोगों के पास 200 क्रिस्टल टोकन कलेक्ट हो जाते हैं तो जाके जो है आप लोगों को यहाँ पे एक स्पिन करने का चांस मिलेगा, और अगर आप लोग जैसे ही एक स्पिन करोगे 200 क्रिस्टल टोकन में, तो फिर जाके यहाँ पे जो है ना जितना भी बंडल है इनमें से कोई एक बंडल आप लोगों को मिलेगा। रैंडम कोई भी बंडल मिल सकता है, ये कंफर्म नहीं है कि आप लोगों को समुराई बंडल ही मिल जाए, इनमें से कोई भी बंडल मिल सकता है, और उसके बाद दोबारा से स्पिन करने के लिए आप लोगों को फिर से 200 क्रिस्टल टोकन कलेक्ट करने होंगे। बाकी गाइज, बात करें कि ये इवेंट हमारे गेम में कब तक चलने वाला है, तो देखो गाइज, यहाँ पे अभी तक कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि इसका एक्सपायरी डेट, मतलब कि ये कब तक रहने वाला है हमारे गेम में। मतलब कि गाइज, अभी ये इवेंट कुछ ज़्यादा ही दिन तक हमारे गेम में रहने वाला है। वैसे जब ये एक्सपायर होने वाला रहेगा तो उससे पहले ही शायद से डेट दे दिया जाएगा कि कब एक्सपायर होगा, लेकिन अभी तक यहाँ पे कहीं भी कोई डेट नहीं दिया हुआ है कि ये एक्सपायर कब होने वाला है। बाकी गाइज, अगर आप लोगों को और भी किसी इवेंट में अभी के टाइम में कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग पूछ सकते हो, हम जो है ना जरूर से वीडियो बना देंगे। बाकी गाइज, अभी किसी रूम बस इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।